पूरे देश में जहां रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी कि अलविदा जुमा कहा जाए तो उसकी नमाज अदा हो रही है। हम इस वक्त एक मस्जिद पर खड़े हैं और यहां देख सकते हैं अकीदतमंद अंदर खुदा की बारगाह में सिर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से कहा जाए तो सरकार ने अलर्ट जारी कर रखा था, डीजीपी ने आके अलर्ट जारी किया था कि जो त्योहार का मौसम चल रहा है उसको लेकर पूरी सतर्कता बरती जाए और किसी भी तरीके की अनहोनी घटना ना हो पाए, तो उसी के चलते पूरी तरीके से कहा जाए तो पुलिस व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद है। प्रदेश भर की मस्जिदों में माह रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। यूपी के मेरठ की मस्जिदों और दरगाहों में अकीदतमंदों ने जमातुल विदा की नमाज अदा की। नमाजियों ने खुदा की बारगाह में एक साथ सिर झुकाकर सजदा किया और अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगी। ऐसे में अलविदा जुमा को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित है, जिसके चलते प्रदेश भर की मस्जिदों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं डीजीपी द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। ऐसे में रमजान के पवित्र महीने में आने वाला आखिरी शुक्रवार यानी कि अलविदा जुमा आज है। इस मौके पर मस्जिदों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अकीदतमंद मस्जिदों पर पहुंचकर जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं और ऊपर वाले से इस पवित्र माह के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। इस दौरान मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल लगाया गया है, साथ ही पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। फ्रंट फुट पर पुलिस नजर आ रही है। बेहतर तरीके से कहा जाए तो यहाँ खुदा की बारगाह में लोग सिर झुकाते हुए नजर आए और इसी बात के लिए दुआ कर रहे थे कि आने वाला वक्त जो है वो खुदा बेहतर करे। जिस तरीके से कहा जाए तो पवित्र महीना चल रहा है, 5 ही रोजे बचे हैं, तो इसमें यही दुआ कर रहे थे कि आने वाला वक्त सही रहे और देश में खुशहाली और चैन और सुकून देखने को मिले। पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है और यहाँ आले अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, तो उसी का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। अकीदतमंद अपनी दुआ कर रहे हैं और ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाला वक्त बेहतर हो और देश खुशहाली कायम रहे। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।